సన్రిచ్ హాస్పిటల్స్ జంట నగరాల్లో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడిన మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆధునిక వసతులు 24 గంటల ఎమర్జెన్సీ వైద్య సదుపాయం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రజలందరికీ అందుబాటులో అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లచే అతి తక్కువ ధరల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు సన్రిచ్ హాస్పిటల్ మోతీనగర్ హైదరాబాద్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ కాంటాక్ట్ 9652766690 9652766695 आज टीएसआरटीसी की जानिब से फारूक नगर बस डिपो में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें तकरीबन 200 लोग ने अपना खून दिया। मीडिया से बात करते हुए फारूक नगर डिपो के सीआरएमआर डिवीजन मैनेजर रामलू ने अपना ऑनरेबल चेयरमैन साहब टीएसआरटीसी का, ऑनरेबल चेयरमैन साहब बजरेड्डी गोर्धन साहब और वीसी सज्जनार साहब एक बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है बोले तो ब्लड डोनेशन करना। ये कोरोना पीरियड में बहुत लोग मर गया, अब और ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं है, कम हो गया, वो स्टॉक कम हो गया, बोल के ब्लड डोनेशन करने का एक निर्णय लिया। और निर्णय के भाग में आज फारूक नगर डिपो में 200 जने ब्लड डोनेशन कर रहे। ये ब्लड डोनेशन हैदराबाद सिटी में, सिकंदराबाद सिटी में 5 जगह के ब्लड डोनेशन हो रहे। यहाँ MGBS होने दो, यहाँ उपल होने दो, JBS होने दो, और ये फारूक नगर ऐसा 5 कैंप चल रही। ये 5 कैंप के बाद में भी पूरा स्टेट में हर डिपो में कैंप चल रही। कम से कम 20,000 लोग आज ब्लड डोनेशन आरटीसी तरफ से ब्लड डोनेशन दे रही। वो फिर एक बार अपना चेयरमैन को एक बड़ा निर्णय के लिया, वो चेयरमैन साहब को, सज्जनार साहब को एक और एक बार मैं थैंक बोल रहा हूँ।